ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 10 अक्टूबर 2018 बुधवार का दिन है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। शारदीय नवरात्र का पहला दिन रहेगा। सभी लोग अपने अपने घरों में कलश स्थापना करेंगे, घट स्थापना करेंगे और मां जगदम्बा की 9 दिनों तक लगातार पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। इसी के साथ घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा। चित्रा नामक नक्षत्र है जो कि दोपहर 12:31 तक रहेगा। उसके बाद में स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तुला राशि में चंद्रमा दिन भर रहेंगे। दिशाशूल उत्तर दिशा में होंगे। इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायक माना जाता है। यदि किसी कारणवश आपको उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धना खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक रहेंगे। इस दौरान कोई भी शुभ या नया काम करने से आपको बचना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध तुला राशि में, गुरु तुला राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस दिन ग्रहों का जो विशेष संयोग बन रहा है उसके कारण चंद्रमा और गुरु दोनों एक ही राशि में रहेंगे। तुला राशि में दोनों का जो है मिलन हो रहा है, अर्थात चंद्रमा और गुरु की युति तुला राशि में है। इस कारण से गज केसरी नामक एक बड़ा योग नवरात्रि के पहले दिन बन रहा है, और इस गज केसरी महासंयोग के कारण ये 6 राशियां जो है विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने वाली है। इनको बड़ा धन लाभ होने वाला है। कार्य क्षेत्र में कोई खुशखबरी इनको प्राप्त हो सकती है या फिर उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इनको प्राप्त हो सकता है। ये 6 राशियां इस प्रकार रहेगी। मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर, इन 6 राशि वालों के लिए यह गज केसरी योग सबसे ज्यादा फायदा देने वाला साबित होगा। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।